अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। दिल्ली विधानसभा में पहले एक सुरंग मिलने से कई सारे राजों से पर्दा उठा था। अब उसी सिलसिले में दिल्ली विधानसभा में एक फांसी घर भी मिला है, जहां आजादी के क्रांतिवीरों को फांसी दी जाती थी। दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया कि इस फांसी घर को न जाने कब से दीवार उठाकर बंद किया हुआ था, और जब भी उन्होंने पूछा तो बात आई गई हो जाती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने इस दीवार को तुड़वाया तो जो देखा उसके बाद सभी के होश उड़ गए। और उसके बाद रामनिवास जी ने बताया कि उन्होंने इन्हें ज्यों का त्यों रखा हुआ है और अब उनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और लोगों के लिए भी इसे खोला जाएगा। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फांसी घर को जाकर देखा और बताया कि हमारे महान स्वतंत्रता क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाल किले से उन्हें सुरंग के द्वारा विधानसभा में लाकर फांसी दी जाती थी। आज हमने एक फांसी घर का भी उद्घाटन किया। ये फांसी घर अंग्रेजों के जमाने का है। किसी को पता नहीं था कि विधानसभा के अंदर इसके, ये विधानसभा बहुत पुरानी है, ये पुराना अंग्रेजों के जमाने का स्ट्रक्चर है। किसी को पता नहीं था यहाँ पे कोई फांसी घर है। बस ये वर्ड ऑफ माउथ से लोग कहते थे यहाँ फांसी घर है, यहाँ एक फांसी घर है। किसी ने उसको ताला तोड़ के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, तो स्पीकर साहब ने हिम्मत करके उसको ताला तोड़वाया। अंदर गए तब देखा कि किस तरह से एक साथ दो लोगों को वहां पे फांसी देने का सिस्टम बना हुआ है। एक बार तो देख के दिल दहल जाता है। आप जब इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि वहां किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, तो बड़ी घबराहट सी होती है। उसको देख के लगता है कि आज हम सोच भी नहीं सकते, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को देने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग, एक फांसी घर तो यहाँ है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे। जो फांसी घर को अंग्रेजों के समय के फांसी घर को आम जनता के लिए देखने के लिए म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया है, उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया वहाँ पे, और गैलरी भी देखी ऊपर, जिन लोगों को शहीद किया उस समय के कुछ उनके जूते, उनके कुछ अवशेष, उनके रस्सियाँ वगैरह उस समय की रखी हैं, उसका भी म्यूजियम यहाँ लगा है, उसको भी देखा। और मैं सोच रहा था कि हर एक समय की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, और उस चुनौती में जो लोग हिम्मत से अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सब कुछ लगा के, दांव पे लगा के, जान की बाजी पे खेल के लोगों की रक्षा करते हैं, उनको हमेशा इतिहास याद करता है। यह एक फांसी घर जो हमारे लाल किले में बंद क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, बहुत दिनों से वो बंद पड़ा रहता था। कमरा कब से बंद था कब से नहीं मालूम है। माउथ टू माउथ ये था कि यहाँ फांसी घर है, फांसी घर। उस फांसी घर को आज बहुत सुंदर रूप दिया गया है, और इतना सुंदर कि आपको बहुत मन को छुएगा और लगेगा कि मैं अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्र मंडली को बुलाकर उनको दिखाऊं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।